हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने बनाई है चाप, फ्राइड चाप। तो क्रिस्पी फ्राइड चाप बनाने के लिए आपके पास बॉइल्ड चाप होनी चाहिए, मैदा अरोट होना चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स होने चाहिए और कुछ मसाले होने चाहिए। तो मैं आपको बताती जाऊंगी, आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले मैंने जो मेरी चाप है वो बॉइल करके रखी हुई थी, तो मेरी जो चाप थी, आप 15 मिनट उसको लगते हैं बॉईल करने में, या मतलब मैक्सिमम 10 से 12 15 मिनट लगते हैं उसको बॉईल करने में। तो अपनी चाप में आप बॉईल चाप को पहले ठंडा कर लें। तो ठंडा करने के बाद आप अपनी चाप में जैसे मतलब मैरिनेट करेंगे, तो आप बीच बीच में ना उसमें कट्स लगा लें नाइफ से, ताकि जो मसाला है वो चाप के अंदर ईजिली चला जाए। तो अपनी चाप उठाइए और सब सारी चाप्स में ऐसे देखिए कितने अच्छे से बॉईल हुई है ना। और मैंने इसकी ना स्टिक नहीं निकाली है, मैंने स्टिक के साथ ही फ्राई किया है। तो सबसे पहले मैंने अपनी चाप में मसाले डालने शुरू किए हैं। तो सबसे पहले आप क्या डालें इसमें, थोड़ा नमक डाल लें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक ऐड करना है इसमें। तो नमक डालने के बाद आप इसमें लाल मिर्ची डाल लें, आप चाहो तो कश्मीरी वाली मिर्ची डाल सकते हो, जो मिर्ची पाउडर होता है आप वो डाल लें। तो मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाली। उसके बाद आप इसमें किचन किंग मसाला ऐड कर लें, अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप मैगी मसाला ट्राई कर लें। इसके बाद धनिया पाउडर, इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, कस्तूरी मेथी, क्रश कर ले उसको अच्छे से। बस ये हमारा जो सामान है। आप चाहो तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हो। इसको आपको अच्छे से मैरिनेट करना है चाप को ना, ताकि इसका जो मसाला है वो चाप के अंदर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चाप ना कहीं पे ऐसा ना हो, क्योंकि बाद में चाप ना फिर फीकी लगती है। तो अच्छे से चाप को मैरिनेट करना है। उसके बाद अपना आपके पास मैदा और अरारोट का मैंने ना मिक्स करके रखा था, एक किसी भी बर्तन में मिक्स करके रख लें। मिक्स करने के बाद उसमें भी कुछ मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि वरना फिर वो फीका लगेगा। थोड़ा नमक ऐड कर लो आपके जो उसमें, उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा हल्का सा धनिया पाउडर ऐड कर लो, थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड कर लो, ठीक है। और हल्की सी इसमें आप चाहो तो कसूरी मेथी ऐड कर लो, किचन किंग मसाला ऐड कर लो। बस अब इसको अच्छे से आपको इसमें पानी डाल के इसका एक पेस्ट बनाना है। और जो पेस्ट है ना वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी चाप है फिर वो ठीक से ना उसमें कोटिंग नहीं हो पाएगी। तो पहले आप इसको अच्छे से इसका एक पेस्ट बनाइए अच्छा सा। देखो पेस्ट बना के अब मैंने चाप उठाई और चाप को अच्छे से इसमें इसमें से अच्छे से कोटिंग करनी है आपको। देखिए तो अपनी चाप उठा के जो आपके पास कॉर्नफ्लेक्स हैं उसमें आपको इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से लगाने हैं। आप ना कॉर्नफ्लेक्स को ना थोड़ा सा हाथ से ना थोड़ा और तोड़ लेना, वरना ये थोड़े बड़े बड़े से ना तो थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने अपनी चारों चापों को पूरा कवर कर लिया है कॉर्नफ्लेक्स के साथ। तो बस फिर आपको क्या करना है, अब जो चाप है हाँ भी इसे फ्राई करना है। तो मैंने जो अपना ऑयल था वो पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो जो मेरा ऑयल था वो गर्म हो गया, तो मैंने उसमें चाप डाल दी और उसको ना मतलब क्रिस्पी होने के लिए मतलब ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक उसको हमें फ्राई करना है। देखो देखो कितनी अच्छी लग रही है, देखो कितनी अच्छी चाप हो गई मेरी। और देखो आपने नोटिस किया कि इसमें एक भी कॉर्नफ्लेक मेरा गिरा नहीं है, मतलब कितने प्यार से आई है। लाइक कर दो, शेयर कर दो।